गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद चैप्टर नंबर फिफ्टीन व्हिच इज़ एंड वेदर नाउ व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन सीजर सीजन्स एंड वेदर सीजन का मतलब होता है विंटर सीजन समर सीज़न जो हमारे अलग अलग क्या होते हैं मौसम आते हैं बारिश का आता है गर्मी आती है सर्दी आती है ऑटम आती है स्प्रिंग आती है तो वो सब हम क्या बोलते हैं है. सीजन बोलते हैं और सीज़न कितने टाइम में चेंज होते हैं एक दो आ, दो तीन महीने में राइट इतना टाइम लगता है सीज़न को बदलने में नौ वेदर क्या होता है वेदर होता है जो आपका हर दिन होता है हर दिन बदलता है जैसे कई बार क्या होता है वेदर ह्यूमिडिटी होती है कई बार क्या होता है फॉग होता है कई बार क्या होता है विंडी होता है कई बार क्या होता है सनी होता है राइट हर दिन में कभी बारिश भी आ सकती है कभी गर्मी भी हो सकती है एक ही दिन में तो हमारा वेदर होता है वो हर दिन बदलता है लेकिन जो हमारा सीज़न होता है वो दो तीन महीने में बदलता है ये चीज सबको याद रहेगी कि डिफरेंस क्या होता है सीजन और वेदर में ये आपको याद रखना है ठीक है नाउ विल स्टार्ट विद दिस इमेज इन द चैप्टर वट डू यू डू वेन यू फील हॉट वाइल डू यू डू वेन इट रेन्स ओके नाउ यहाँ पे एक चाइल्ड क्या बोल रहा है अपनी मदर से थैंक गॉड इट इज क्लाउडी नाउ जब वो खेल कर आया तो उसे क्या लग रही थी गर्मी लग रही थी और जैसे वो खेल कर बैठा तो क्या हुआ बादल छा गए तो वो क्या बोलता है अपनी मदर से थैंक गॉड इज क्लाउडी नाउ देन उसके बाद में क्या हुआ बारिश होने लग गई तो क्या बोलता है अपनी मदर मदर क्या बोलती है रन इट इज रेनिंग हाउ द वेदर चेंजेस अभी क्या था गर्मी थी फिर बादल आ गए और फिर क्या होगा बारिश होने लग गई तो उसकी मदर बोल रही है कि एक ही दिन में देखो कितने कैसे वेदर बदल गया ठीक है नाउ कम टू दिस पैराग्राफ वेदर चेंजेस एवरी डे वेदर क्या होता है हमेशा बदलता है इट कैन बी क्लाउड कोल्ड सनी फॉगी रेनी क्लाउडी और विंडी ठीक है वो कैसा हो सकता है ठंडा हो सकता है गर्म हो सकता है फॉगी हो सकता है मतलब कोहरा छा सकता है रेनी मतलब बारिश ही हो सकता है क्लाउडी मतलब बादल हो सकते हैं और विंडी मतलब तूफान या आंधी आ सकती है वेदर इतने तरह के होते हैं नाउ वेदर कैन आल्सो चेंज मैनी टाइम्स इन अ डे अब एक दिन में बहुत तरह से मौसम चेंज हो सकता है हो सकता है सुबह गर्मी हो और दोपहर में बारिश हो जाए ठीक है और रात में ठंड भी पड़ जाए तो ये क्या होता है एक ही दिन में बदलते रहते हैं इट इज़ इट इज़ द डे टू डे कंडीशन ऑफ़ द एयर ऑफ अ पर्टिकुलर एरिया नाउ ये क्या होता है ये कैसे बदलता है ये एक पर्टिकुलर एरिया की पर्टिकुलर प्लेस पे जो एयर की जो कंडीशन होती है ना उस हिसाब से आ उस हिसाब से बदलता है जैसे मान लीजिए अभी क्या है एयर ठंडी है तो हमें क्या लगेगी सर्दी लगेगी अगर हवा गर्म होती है तो हमें क्या लगती है गर्मी लगती है अगर हवा तेजी से चल रही है तो क्या लगता है विंडी होता है ठीक है नौ no. आपको ये सारी इमेजेस दिख रही हैं ये सब क्या बता रहे हैं आपको वेदर बता रहे हैं ये क्या है रेनी समर विंडी एंड कोल्ड ठीक है ये तो आप पहचान जाएंगे सब इमेज से नो no, सीजन अब हम आते हैं सीजन पे टाइम्स द वेदर स्टेज द सेम फॉर अ लॉन्ग पीरियड और जब एक ही तरह का मौसम रहता है बहुत ही लंबे समय के लिए जैसे अप्रैल से जुलाई तक क्या रहती है गर्मी रहती है राइट right? बहुत ज़्यादा क्या पड़ती है गर्मी पड़ती है तो वेदर क्या है एक बहुत ही लंबे टाइम के लिए सेम रहता है तो हम उसे क्या बोलते हैं दिस इज़ कॉल्ड अ सीजन उसे हम सीजन बोलते हैं अ सीज़न कैन लास्ट फॉर टू थ्री मंथ्स टू और थ्री मंथ्स ठीक है सम सीजन्स आर हॉट कुछ क्या होते हैं गर्म होते हैं ना सम आर कोल्ड इंडिया हैज़ फाइव मेन सीजन इंडिया में पाँच सीजन्स होते हैं दे आर स्प्रिंग समर मानसून ऑटम एंडिया इन इंडिया ठीक है ये चीज सबको समझ में आ गई इंडिया में कितने सीजन होते हैं मेन पांच होते हैं पहला स्प्रिंग समर मानसून ऑटम एंड विंटर लेकिन इंडिया में क्या होता है जो समर होता है वो सबसे लंबा होता है और विंटर होता है वो छोटा होता है नाव अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे स्प्रिंग के बारे में स्प्रिंग इज द मोस्ट कलरफुल सीजन ऑफ द ईयर ये क्या होता है बहुत ही कलरफुल सीजन होता है ईयर का इस इमेज को देख के लग रहा है ना आपको कलरफुल है ठीक है फ्लावर ब्लूम न्यू एन्यूलीस बिगिन टू ग्रो ऑन द ट्रीज नाव इस सीजन में क्या होता है फ्लावर्स होते हैं वो ब्लूम करने लग जाते हैं मतलब उगने लग जाते हैं और नई नई पत्तियाँ भी बढ़ने लग जाती हैं पेड़ों पे। द वेदर इज़ वेरी प्लेजेंट और वे जो मौसम होता है वो कैसा होता है बहुत ही अच्छा और सुहावना होता है बहुत ही नाइस होता है नाउ स्प्रिंग लाट्स लास्ट फ्रॉम लेट फरवरी टिल द एंड ऑफ मार्च इन इंडिया ना जो इंडिया में है ना स्प्रिंग किस टाइम आता है ये आपको याद रखना है किस टाइम आता है ला, लास्ट फॉर फ्रॉम लेट फरवरी मतलब फरवरी के, के, के लास्ट से मार्च के लास्ट तक स्प्रिंग कब आता है इंडिया में फरवरी के लास्ट से मार्च के लास्ट तक ठीक है ये चीज सबको समझ में आ गई स्प्रिंग कैसा होता है बहुत ही कलरफुल सीजन होता है उसमें क्या होते हैं फ्लावर उगते हैं और बड़ी नई नई पत्तियाँ उगती हैं पेड़ों पे और वो मौसम हमेशा बहुत ही अच्छा होता है और स्प्रिंग कब आता है लास्ट फरवरी से ला, एं, एंड ऑफ मार्च तक मतलब जब फरवरी खत्म होने लगती है और तब से जब मार्च खत्म होने लगती है ना तब तक ठीक है ना हम पढ़ेंगे समर समर इज़ द हॉटेस्ट सीजन समर क्या होता है सबसे ज्यादा हॉटेस्ट सीजन होता है ठीक है गर्म होता है मतलब एंड द सन इज ब्राइट एंड हॉट और उस टाइम सन कैसा होता है बहुत ही चमकदार होता है और बहुत ही गर्म होता है द डेज आर लॉन्गर देन द नाइट गर्मियों में क्या होता है दिन बड़े होते हैं और रातें छोटी होती हैं ठीक है वी वियर लाइट कॉटन वी वियर लाइट कॉटन क्लोथ्स और हम कैसे कपड़े पहनते हैं लाइट काटन क्लोथ्स एंड वी स्वेट अ लॉट एंड थर्सटी टू और हमें बहुत ही पसीना आता है और हमें प्यास भी लगती है ठीक है गर्मियों में हम बहुत ज़्यादा क्या पीते हैं पानी पीते हैं क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा प्यास लगती है वी ईट अ लॉट ऑफ फ्रूट्स सच इज मैंगो मैलन इन समर ना हम बहुत सारे फ्रूट्स खाते हैं और कौन से फ्रूट्स खाते हैं मैंगो और मैलन किस में समर में जो हमारा सीजन होता है समर का उसमें सबसे ज़्यादा क्या होता है मैंगो और मैरिन्स आते हैं ठीक है नाउ अप्रैल मई जून आर द समर मंथ्स ऑफ इंडिया नाउ समर मंथ्स कौन से होते हैं इंडिया में अप्रैल मई एंड जून ठीक है यहाँ तक सबको क्लियर हुआ समर क्या होता है बहुत ही गर्म सीज़न होता है ठीक है बहुत ही गर्म सीजन होता है एंड उस टाइम सन क्या होता है बहुत ही ब्राइट और हॉट होता है दिन क्या होते हैं समर में बड़े होते हैं और रातें छोटी होती हैं वी वी हर हम लाइट कॉटन क्लोथ्स के कपड़े पहनते हैं और उस टाइम हमें गर्मी भी बहुत लगती है तो उससे पसीना आता है और हमें प्यास भी लगती है और समर में इंडिया में समर कब होती है अप्रैल मई एंड जून में नाउ हम क्या पढ़ेंगे आप मानसून द मानसून इज अ सीजन ऑफ हैवी रेनफॉल मानसून क्या होता है हैवी रेनफॉल का सीजन होता है वी हियर थंडर्स एंड सी लाइटनिंग इन स्काई इन सीजन हमें थंडर मतलब गरजने की और बहुत ही लाइट चमकने की Uh, हमें लाइट चमकती हुई दिखाई देती है कहाँ पे स्काई में इस टाइम पर वी यूज़ अम्ब्रेलाज रेन कोट टू प्रोटेक्ट आर सेल्फ फ्राम हैवी रेन और हम क्या करते हैं ख़ुद को प्रोटेक्ट करते हैं अम्ब्रेला से और रेनकोट से इस सीज़न में बारिश से बचने के लिए और जुलाई अगस्त एंड सेप्टेम्बर आर द मानसून मंथ्स। और जो इंडिया में मानसून मंथस होते हैं वो क्या होते हैं जुलाई अगस्त एंड सेप्टेम्बर इट इज़ ऑल्सो नोन एज रेनी सीजन नाउ हम इसे रेनी सीजन के नाम से भी बुलाते हैं ठीक है मानसून सीजन भी और रेनी सीजन भी ना आपको दिख रहा है समर ऐसी होती है ऑटम कैसी होती है इस तरह की होती है एंड मानसून जिसमें हम रेनकोट पहन के रखते हैं बारिश आती रहती है ठीक है यहाँ से आपको पिक्चर से सब क्लियर हो जाएगा ना अब हम पढ़ते हैं ऑटम ड्यूरिंग ऑटम ट्रीट शेड देयर लीव्स शेड का मतलब होता है झड़ना क्या होता है झड़ना तो ऑटम के टाइम पे क्या होता है पेड़ अपनी लीव्स को अपने से झड़ा देते हैं मतलब जो सूखी लीव्स होती है ना वो धरती पे गिर जाती हैं वो नीचे ग्राउंड पर गिर जाती हैं ठीक है द स्काई इज़ यूजली क्लाउडलेस और जो आसमान होता है वो कैसा होता है बादल के बिना होता है मतलब उसमें बादल नहीं होते हैं इट इज़ ना इधर टू हॉट नॉट टू कोल्ड ड्यूरिंग दिस सीज़न ना इस सीज़न में ना ही ज़्यादा गर्मी होती है ना ही ज़्यादा ठंड होती है एंड अक्टूबर एंड नवम्बर आर द ऑटम मंथ्स इन इंडिया ना इंडिया में ऑटम मंथ्स कौन से होते हैं अक्टूबर एंड नवम्बर होते हैं क्लू इन पढ़ेंगे हम आफ्टर रेन वेन समटाइम्स वी समाइम्स सी रेनबो इन स्काई ठीक है और हम रेन में क्या देखते हैं हम जब बारिश हो जाती है तो हमें कभी कभार रेनबो नज़र आता है और रेनबो इज़ मेड ऑफ सेवन कलर्स और रेनबो किससे बना होता है सात रंगों से बना होता है ओके यहाँ तक हमने क्या पढ़ा है अब तक हमने जाना है कि वेदर और सीज़न में क्या अंतर होता है वेदर के बारे में पढ़ा फिर हमने सीजन्स के बारे में पढ़ा है इंडिया में पांच मेन सीजन्स होते हैं स्प्रिंग समर मॉनसून एंड ऑटम वो हमने अभी चार पढ़े हैं नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज अब हम क्या पढ़ेंगे विंटर सीजन के बारे में विंटर इज द कोल्डेस्ट सीजन ऑफ द ईयर नाउ विंटर क्या होता है सबसे ज़्यादा ठंडा सीजन होता है एक साल में द डे द डेज आर शॉर्टर इन द नाइट्स आर लॉन्गर इन दीजन ना गर्मियों में क्या होता था दिन बड़े होते थे रात छोटी होती थी लेकिन सर्दियों में रात बड़ी होती है और दिन छोटे होते हैं इट रेंस इन सम पार्ट ऑफ इंडिया एंड स्नो इन माउंटेन माउंटेनियस रीजन्स ना इस टाइम ताँ, पर क्या होता है कुछ पार्ट इंडिया के पार्ट्स में बारिश होती है और कुछ इंडिया के पार्ट्स में जहाँ पे पहाड़ होते हैं वहाँ पे स्नो गिरती है वी वेयर वुलन क्लोथ्स और हम इस टाइम पे कैसे कपड़े पहनते, है? पहनते हैं क्लोथ्स पहनते हैं यूज ब्लैंकेट्स एंड क्विल्ट्स टू कीप और हम क्या यूज करते हैं ब्लैंकेट्स और क्विल्ट्स मतलब ब्लैंकेट्स यूज करते हैं हम ठीक है टू कीप की इंडिया वक्सपीरियंसिस विंटर इन दिसंबर जनवरी एंड अर्ली फरवरी नाउ इंडिया में जो विंटर सीजन आता है वो कब आता है दिसंबर जनवरी एंड अर्ली फरवरी मतलब शुरू शुरू में अर्ली फरवरी का मतलब होता है जो स्टार्टिंग के दस दिन होते हैं ना फरवरी के उसमें ठीक है यहाँ तक सबको याद रहना चाहिए ठीक है नाउ अब हम पढ़ेंगे रैप अप पार्ट नाउ रैप अप में क्या है फर्स्ट पॉइंट देखिए वेदर कीप्स चेंजिंग फ्रॉम डेट टू डे ओके नाउ वेदर क्या होता है चेंज होता रहता है हर दिन समर स्प्रिंग समर मानसून ऑटम आर द फाइव मेन सीजन्स ऑफ इंडिया नव ये पाँच क्या होता है मेन सीजन होते हैं इंडिया में स्प्रिंग इज़ अ कलरफुल एंड प्लेजेंट सीजन स्प्रिंग कलरफुल और प्लेजेंट सीज़न होता है समर क्या होता है हॉटेस्ट सीजन होता है एंड मानसून इज अ सीज़न ऑफ हैवी रेनफॉल मानसून होता हैवी रेनफॉल का सीजन ट्री शेड देयर लीव्स ड्यूरिंग ऑटम ऑटम में ट्रीज क्या करते हैं अपनी पत्तियों को चढ़ा देते हैं एंड विंटर इज़ द कोल्डेस्ट सीजन और विंटर क्या होता है सबसे ज़्यादा कोल्ड सीजन होता है सो दिस कंप्लीट्स योर चैप्टर वी विल डू द एक्सरसाइज इन द नेक्स्ट लेक्चर थैंक यू एंड एव अ डे